हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13E। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन ईच केस फाइंड वेदर द ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये बताना है। तो मैं यहाँ पहले दो आइडेंटिटीज लिख रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर की, एक ए प्लस बी का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, ए माइनस बी ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। कब होता है? जब इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, इसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इस फॉर्म की ये फॉर्म बना देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर इसका रिवर्स कर पाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर मैं बोलूं ये एल लिख रही हूँ, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? राइट साइड गिवन है। अगर हम लेफ्ट बना देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं यहां लिख रही हूं, ये तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज, ये क्या है 49 दिख रहा है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए? 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू है 7, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास, यहीं से देख के आंसर कर सकते हैं वैसे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर बन रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 7 14, साथ में एक्स प्लस 7 स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर बन रहा है, आंसर इज यस। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा, नेक्स्ट करते हैं, मे बी इजी समझ आए। अब है ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। ठीक है, माइनस है तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये वाला बनेगा। ठीक है, बना के देखते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर बनाना है, तो पहली टर्म ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर। ठीक है, मिडिल वाली भी छोड़ते हैं, ये बी स्क्वायर 25 है, अगर बी स्क्वायर 25 है तो बी कितना होगा? 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, अगर b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 5, तो इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसे ब्रेक कर रही हूँ, हमें पता है क्या होना चाहिए, देखो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 5 है, और ये कैसे ब्रेक होता है? 2 इंटू ए इंटू बी, दैट मीन्स 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा है, तो मैच करो, 2 इंटू 5 10, a ये भी 10 है, ये भी 10 बन रहा है, 5 का स्क्वायर 25 है, दैट मीन्स ये भी है, तो आंसर इज ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू का होल स्क्वायर, तो आंसर इसका भी है यस। नेक्स्ट करते हैं विच इज पार्ट थर्ड। ठीक है, अब हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कंपेयर करना है इस वाले से क्योंकि सारा प्लस है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, इससे कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर ए स्क्वायर है 4x स्क्वायर, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए का स्क्वायर 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, साथ में x। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर्स कैंसिल करने पड़ते हैं, और b स्क्वायर अगर 1 है तो b की वैल्यू आ गई 1, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये मिडिल टर्म कितनी होनी चाहिए? 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू इंटू 2x इंटू 1, देखो बन रहा है सेम, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4, साथ में x, 4x बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर इज यस। ठीक है, अब कर रहे हैं फोर्थ बार, फोर्थ इज 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 16, करें सॉल्व। 9b स्क्वायर, ये a स्क्वायर की वैल्यू है, देखो ऐसे मैच कर लिया करो, a स्क्वायर की वैल्यू है 9b स्क्वायर ये, और b स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो b का स्क्वायर 16 है, किसका स्क्वायर 16 होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो b की वैल्यू तो आ गई 4। ठीक है, a का स्क्वायर 9 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसका स्क्वायर 9 होता है? 3 का, साथ में b स्क्वायर, तो b आ जाएगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, मिडिल टर्म बननी चाहिए हमारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, दैट इज 2, 3, 6, 6, 4, 24, बट ये बन रहा है 12b, तो आंसर इज नो, ये और ये भी सेम आनी चाहिए थी। ठीक है, इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लिख सकते हैं आंसर नो क्यों है, क्योंकि ये सेकंड टर्म या मिडिल टर्म 12b इज नॉट इक्वल्स टू 24b। ठीक है, होनी 24b चाहिए थी बट है 12b, इसलिए नो किया है। ठीक है, अब कर रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पूरा रब कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव 60x स्क्वायर माइनस 60xy
प्लस वाई स्क्वायर। अब डायरेक्ट ए और बी खुद सोचो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का स्क्वायर यानी 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 साथ में x का स्क्वायर, ठीक है। और b की वैल्यू होगी y, y का स्क्वायर। तो मिडल टर्म कितनी बननी चाहिए, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस लगा लेते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, तो कितनी बननी चाहिए मिडल टर्म, 2 इंटू 4 इज 8xy माइनस में, बट आ कितनी रही है 16xy, सेम नहीं बन रही है, तो आंसर इज नो, ठीक है। लिख सकते हैं माइनस 8xy इज नॉट इक्वल टू माइनस 16xy। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, ठीक है। देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, माइनस का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे कंपेयर कर रहे हैं ये दोनों और ये, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो a की वैल्यू तो x आ गई, बी स्क्वायर 16 के इक्वल है तो b की वैल्यू 4 आ गई। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी एक्स इंटू 4 प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, 2 इंटू 4 इज 8x प्लस 4 का स्क्वायर, ये 8x है ये 4x है, सेम नहीं है, तो आंसर अगेन नो आ जाएगा। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फैक्टराइज कंप्लीटली, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइज के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो अब इसमें सारे मेथड्स अप्लाई करेंगे, कॉमन लेने वाला, रीग्रुप करके कॉमन लेना, या फिर आइडेंटिटीज लगाना, ठीक है। तो हमारे पास 2 माइनस 8x स्क्वायर है, बाइनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो वो कॉमन कर लिया, 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है ये 2 तो कुछ नहीं कर सकते, बट ये वाली जो टर्म बच रही है ये ऐसी है, 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता था, दो ब्रैकेट, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x, 1 माइनस 2x। अब इसे ये समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करा है मैंने, आइडेंटिटी थर्ड यूज करी है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, इट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। बोलने में ही दोनों में ए बोला है तो ए कॉमन ले लेते हैं, यहां बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन थर्ड आइडेंटिटी बन गई। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर होता है, तो दो ब्रैकेट्स बनते हैं, एक प्लस वाला सेम टर्म्स के साथ और एक माइनस वाला, ठीक है। अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट, 8x स्क्वायर वाई माइनस 18y क्यूब। देखो y दोनों में मैंने बोला है तो y तो कॉमन हो जाएगा, और ये 8 है ये 18 है, दोनों क्या है 2 के मल्टीपल है, तो एक 2 कॉमन ले लेते हैं और एक y कॉमन ले लेते हैं, छोटी पावर ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से 2 चला गया तो बचा 4, y चला गया तो बचा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एज इट इज। इसमें से 2 चला गया तो बचा 9, y एक गया है, 3 में से एक गया तो बचे 2, ठीक है। अब ये कैसा बन गया, ये देखो इसे लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ऐसी बन गई ना बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगेन क्या होगा, दो ब्रैकेट बनेंगे, एक प्लस वाला 2x प्लस 3y और एक माइनस वाला 2x माइनस 3y, ठीक है, ये हमारा आंसर है। आइडेंटिटी थर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4th, विच इज, अच्छा ये आगे पीछे कुछ नंबरिंग हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास था सेकंड, देन ये क्वेश्चन ही पार्ट में नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज 25x क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। रीड करने में देखो x x दोनों जगह बोला है तो x कर देते हैं कॉमन, यहां से 3 में से एक x गया तो बचा x स्क्वायर, ये एक एक्स बाहर चला गया तो जीरो कभी नहीं बचता है, वन बचता है, ठीक है। अगर जीरो होता तो आंसर यहाँ जीरो होता, यहाँ एक्स होता ही नहीं। अब ये हो गया एक्स, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो ये 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी 3 लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, एक बार दोनों टर्म्स प्लस में, एक बार दोनों टर्म्स माइनस में, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं 6, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये थोड़ा अलग सा है, दोनों की पावर 4 है, पहले किए हुए हैं, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं इसे, मैं ऐसे लिख दूं, 4 कब होता है स्क्वायर का, भी स्क्वायर करने पे, ठीक है, ये भी स्क्वायर का, भी स्क्वायर करने पे,
क्या करा मैंने, ए को ब्रेक किया स्क्वायर का स्क्वायर, और बी को भी ब्रेक करा स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करूं लेट, ठीक है, ए स्क्वायर को एक्स मान लूं और बी स्क्वायर को वाई मान लूं, तो क्या बन रहा है ये, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, क्या आंसर होता है, एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब वापस वैल्यू पुट करते हैं, एक्स तो था ए स्क्वायर और वाई था बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अभी कोई प्लस वाला तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, बट माइनस वाला क्या होता है, ये दोबारा से ओपन हो जाता है, माइनस एंड नहीं करता ना, ये जो आइडेंटिटी है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ये फिर से दो ब्रैकेट बना लेगा, एक बार ए प्लस बी का, एक बार ए माइनस बी का, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी लिख दी है, जब भी यूज कर रहे हैं हम ये यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होती है, तो आंसर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगेन यहां ध्यान से देखो, तो 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, 2 × 2 = 4 बनाता है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4x² का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, x² का x4 माइनस, ऐसे ये बन रहा है 9y² का होल स्क्वायर। और जब आइडेंटिटी इज ऐसी वाली फॉर्म, अब जब ऐसी वाली फॉर्म बन जाती है सेम, तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट प्लस में ओपन करते हैं, ठीक है, और एक ब्रैकेट माइनस में ओपन करते हैं। अब क्या होता है, प्लस में जो ओपन करा होता है वो तो एज इट इज रह जाता है, ठीक है, बट अगर नेगेटिव वाला ध्यान से देखो तो अगेन ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का होता है और 9 3 का है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे लिख सकती हूं मैं 2x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, ठीक है। अगेन अब मैच करो, ये और ये एक जैसी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या होगा, 4x² प्लस 9y² प्लस वाला तो खत्म कर दिया करो, बट माइनस वाले को एक और बार ब्रेक करके दो ब्रैकेट लिखने पड़ते हैं, ठीक है, एक 2x माइनस 3y, एक 2x प्लस 3y, डन। अब करते हैं एट में, मेरे पास है 625 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, 625 होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स की पावर 4 होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सामने कर रही हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म है, तो एक बार ए प्लस बी, ठीक है, एक बार ए माइनस बी, ठीक है। अब ये वाला प्लस वाला तो एज इट इज रह जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला आगे तब सॉल्व करेंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर परफेक्ट है, 25 किसका होता है, 5 का होता है, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर से यही फॉर्म बन गई, पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, तो आंसर विल बी 25 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये एक बार 5 के साथ प्लस में, एक बार 5 के साथ माइनस में, देखो स्क्वायर्स हट जाते हैं आंसर में आते आते, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, पॉजिटिव में कभी भी ओपन नहीं होता है, नेगेटिव ओपन होता जाता है, ठीक है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है x² माइनस y² माइनस 3x माइनस 3y, ठीक है, देखो लिखने में ही मुझे लग रहा है ये 3x 3y दोनों में 3 है, तो कॉमन करते हैं, x² माइनस y², ये वाली आइडेंटिटी है, माइनस 3 कॉमन कर दिया तो ये हो गया x माइनस y, ठीक है, इससे भी 3 गया तो पॉजिटिव x, इससे 3 गया तो प्लस होगा, प्लस 3y, दोनों से माइनस 3 बाहर गया है, इसका आंसर क्या होता है, दो ब्रैकेट, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है, माइनस 3xy साथ में चल रहा है प्लस में। अब देखो ये ब्रैकेट इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन लेने का मतलब जो सबके पास है, जो कॉमन है, ठीक है, तो जो कॉमन है वो बाहर आ गया, एक्स प्लस वाई दोनों के पास था, दोनों बाइनोमियल है, टर्म्स है, एक ही टर्म बाइनोमियल में, दोनों टर्म में कॉमन है एक्स प्लस वाई, वो बाहर आ गया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, एक्स माइनस वाई, और दूसरी टर्म में क्या बचा, माइनस 3। ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो ये टर्म हटा दो, इसकी ये टर्म हटा दो, तो यहाँ ये बचा एक्स माइनस वाई और यहाँ बचा माइनस 3, ठीक है। अब कर रहे हैं 10th पार्ट, या क्वेश्चन नंबर 10, x² माइनस y² माइनस 2x प्लस 2y, ठीक है, अगेन यहाँ तो मुझे दिख रहा है x² माइनस y² यही बन रहा है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, x माइनस y, x प्लस y, ठीक है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, कॉमन कर दूं तो देखो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, माइनस 2 कॉमन कर देता है, इसका माइनस 2 गया तो x बचा,
इसका माइनस अगर बाहर ले रहे हैं तो प्लस का माइनस करने के लिए प्लस बनता है दो माइनस के साइन से, एक माइनस बाहर चला गया तो एक रह गया माइनस वाई, ठीक है। कॉमन कर रहे हैं एक्स माइनस वाई दोनों के पास है तो क्या बचेगा, कॉमन मीन्स ये हटा दो, ये इसके पास से भी हटा दो, इसके पास से भी हटा दो, क्या बचा एक्स प्लस वाई यहाँ पे बचा माइनस टू यहाँ पे बचा, ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच इज 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 72। सबसे पहले दिख रहा है 3, 15, 72 तीनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहां से गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 में से 3 गया, 3 के टेबल में 5 टाइम्स आता है तो 5 बचा, 72 में से गया तो 3 से डिवाइड करके देख लो 72 को, 3 2 टाइम्स 6 12 24, ऐसे होगा ना 3 इंटू 24 होता होगा 72, तो उसमें से 3 बाहर गया तो बचा सिर्फ 24, ठीक है। अब ट्राइनोमियल में जब भी हम करते थे सम एंड प्रोडक्ट मेथड लगाते थे, ठीक है, वही लगा रहे हैं। सम होता है ये मिडिल वाला 5 आना चाहिए, प्रोडक्ट होता है 1, ये a की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू विच इज माइनस 24। ऐसे दो नंबर सोचो जिन्हें सम करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, ठीक है। कौन से हो सकते हैं 24 के फैक्टर्स करके देख सकते हैं, 1 के साथ होता है, 2 के साथ 12, सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, 3 के साथ 8, ये 5 बना देंगे, ठीक है। तो मैं ले रही हूं 3 एज इट इज ये बाहर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, हमें 5 बनाना है तो 3 माइनस 8 लेंगे तो माइनस 5 बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा 8x माइनस 3x, ठीक है। 5x की जगह मैंने लिखा है 8x माइनस 3x, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिख लेते हैं। अब कॉमन करते हैं, इन दो टर्म्स में x कॉमन है तो यहाँ x प्लस 8 बच रहा है, इन दोनों में माइनस और 3 कॉमन है, ठीक है, यहाँ x बचा इसमें से 3 चला गया तो यहाँ पे प्लस 8 और माइनस भी कॉमन हुआ है, तो आंसर इज ये 3 एज इट इज, एक ब्रैकेट बन रहा है x प्लस 8 का और एक बन रहा है x माइनस 3 का, एक तो यारा बन जाता है ये हटा के देखो तो दूसरा यारा बन रहा है जो बच जाता है उसका x माइनस 3। करते हैं 12th क्वेश्चन, 12th भी ऑलमोस्ट सेम है, 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 64, 2 के टेबल में 1 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 32 टाइम, तो 2 कॉमन, 2 के टेबल में 1 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 32 टाइम्स, ठीक है। तो सम हमारे पास है माइनस 4, प्रोडक्ट हमारे पास है माइनस 32, दोनों ही माइनस है, दैट मीन्स जिन दो नंबर से बन रहा है उनमें से एक नंबर माइनस है और बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो एड होके बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है, ठीक है। 32 के लिए 8 इंटू 4 यूज कर सकते हैं और माइनस 8 करेंगे तो प्लस करके कितना आंसर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4, यही हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 एज इट इज इसे लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4a माइनस 32। इसके लिए प्रीवियस एक्सरसाइज देख लेना एक बार, उसमें पूरी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन पे बेस है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पे, ठीक है। इन दोनों में a कॉमन तो बचा a माइनस 8, इन दोनों में 4 कॉमन तो बचा यहां से a, इसमें से 4 गया तो बचा 8, ठीक है, ये और ये हमेशा सेम बनते हैं, तो आंसर आ रहा है 2, एक तो ये आ गया a माइनस 8 और एक आ गया a प्लस 4, ठीक है, दो जो ब्रैकेट्स बच रहे हैं वो लिखते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच इज 5b स्क्वायर प्लस 45b प्लस 90, ठीक है। 5 सब में बोला है तो 5 कॉमन है, b स्क्वायर यहां से 5 गया बचा 9, यहां से 5 गया 5 वन टाइम 48 टाइम ये बचा, देखो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 18 90। अब सम कितना है 9 है, प्रोडक्ट कितना है 18 है, दो ऐसे नंबर जो प्लस करें तो 9 बने, मल्टीप्लाई करें तो 18 बने, 18 के फैक्टर 6 इंटू 3 18 ये यूज करते हैं, ये 5 ये b स्क्वायर इसे लिख सकती हूँ 6b प्लस 3b, 6 प्लस 3 इज 9 प्लस 18 कॉमन करते हैं 5 एज इट इज, इन दोनों में b हम बोल रहे हैं तो b कॉमन कर लेते हैं तो यहां से 1b गया और यहां बचा 6, 3 और 18 में 3 कॉमन है तो यहाँ b बचा, 3 बाहर गया तो 6 बचा, 3 इंटू बी 3b 3 इंटू 6 18, तो आंसर इज एक तो 5 बना था, एक ये b प्लस 6 दोनों में बनाए इसमें भी और क्या बचा, यहाँ b बचा यहाँ प्लस 3 बचा b प्लस 3। नेक्स्ट करते हैं 14 विच इज 3x स्क्वायर y प्लस 11xy प्लस 6y, देखा क्वेश्चन ही बोला मैंने y y y सब में y है,
तो y कॉमन ले लो, ठीक है, और 3, 11, 6 इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये बचा 3x² + 11x + 6। ट्राइनोमियल है, सम है 11, यानी टर्म, प्रोडक्ट है 6 × 3 = 18, प्रोडक्ट ये दोनों होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके a इंटू सी। तो दो ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई करके 18 बनाए, प्लस करके 11 बनाए, डायरेक्ट दिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 को ब्रेक करो, 9x + 2x, 9 × 2 = 18, 9 + 2 = 11, साथ में 6 कॉमन करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म में दोनों 3 के मल्टीपल है तो 3 कॉमन, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x भी कॉमन, ठीक है। यहाँ कितना बचा, सिर्फ x बचा, 3 भी बाहर गया, x भी बाहर गया, यहाँ कितना बचा, 3x गया तो 3 बचा सिर्फ, ठीक है। इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये भी x + 3, ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनता है, अगर सेम बन रहा है तो सही कर रहे हो। जो गया वाई, ठीक है, एक तो बन गया x + 3 और दूसरा बनेगा 3x + 2, एक ये वाला बन जाता है और एक ये जो रिमेनिंग है वो वाला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी हमारा, हमें गिवन है 15 में 5ap² + 11ap + 2a, a a a सब में a बोला तो a बाहर निकाल लो, ठीक है, हो गया 5p² + 11p + 2। अब सम है हमारे पास 11, प्रोडक्ट है 2 × 5 = 10, दो ऐसे नंबर जो प्लस करें तो 11 बनाए, मल्टीप्लाई करें तो 10 बनाए, क्या हो सकते हैं, 5p² + इसे ऐसे देख दूं 10p + 1p, इसे ब्रेक कराए 10 और 1 में, 10 × 1 = 10, 10 + 1 = 11, तो एक फैक्टर तो a है ही। नेक्स्ट फैक्टर में इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों 5 के मल्टीपल हैं और दोनों के पास p है, इसमें से 5p गया तो p बचा, इसमें से 5p गया तो 2 बचा, ठीक है, ये p + 2 बिल्कुल सेम बन रहा है तो 1 कॉमन कर लेते हैं, p + 2, तो आंसर इज एक तो a बन गया, एक p + 2 बन गया और एक बन गया 5p + 1। डन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच इज a² + 2ab + b² - c². अब देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, अगर आइडेंटिटीज पर डे हो तो देख के पता चल रहा है a² + 2ab + b² क्या होता था, ये होता था आइडेंटिटी फर्स्ट, a + b² होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में -c² क्या करा है, यूज किया है यूजिंग आइडेंटिटी 1, a + b² होता है a² + 2ab + b², जैसे छोटा करके ये लिख लिया। अब थर्ड वाला यूज कर लेते हैं, इस बार आइडेंटिटी थर्ड क्या होती है, एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, एक बार दोनों प्लस में, एक बार दोनों माइनस में, तो a + b एक बार c के साथ प्लस में और a + b एक बार c के साथ माइनस में, ये पूरा एक मान लो, ठीक है, सपोज ये पूरा x है तो ये x² - c², तो x + c x - c ऐसे यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है x² + 6xy, देखो जहां xy आता है ना आइडेंटिटीज लगने की चांसेस बढ़ जाती हैं, क्यों बढ़ती है वो मैं भी साथ साथ बताती हूँ। ये x² ये 9y², तो ये a² ये b² और बीच में ये 2ab, ठीक है, वाली टर्म बन रही है, तो ये x² है, इसे ब्रेक करूं या इसे लिख लेती हूँ, ये 3y² ठीक है, प्लस ये एज इट इज रहने दो, a² + b² + 2 × a × b ये होता था 2 × 3 = 6x × y xy, ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम चेक कर रहे थे ना कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वही चेक करके देखा है मैंने, तो इससे x बन रहा है, इससे 3y बन रहा है, और प्लस करके स्क्वायर कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, x + 3y को ओपन करें तो एक बार x², एक बार 3y² 9y² और एक बार 2 × x × 3y करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, साथ में ये तो चल ही रहा है x + 3y, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बड़े हैं पर समझ के करने हैं, कोई ना कोई आइडेंटिटी हमेशा लग रही होती है, ठीक है, ये फर्स्ट लगी है, अब इन दोनों में देखो सेम ब्रैकेट है, कॉमन कर लो, x + 3y एक बार कॉमन कर लेते हैं, इसमें से एक ब्रैकेट बाहर आ गया तो बस एक ब्रैकेट बचा, इसमें से भी एक ब्रैकेट बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बचा, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं 18 में हमारे पास है 4a² - 12ab - लिखा है, दैट मीन्स a - b का स्क्वायर बनेगा इस बार, ठीक है, 4a - 6b,
अगेन चेक करते हैं किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो ये 2a का होल स्क्वायर है और ये 9b किसका होता है, 3b का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये एज इट इज लिख लेते हैं 4a माइनस 6b। मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 2a, बी की वैल्यू है 3b। चेक करें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12ab, दैट मींस हमने सही बनाया। तो क्या हो जाता था, स्क्वायर है माइनस में किसका, a माइनस बी, ए है 2a, बी है 3b, ठीक है। और इसमें क्या है 4a 6b, दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर कर लेते हैं, 2a माइनस 3b ये भी बन रहा है, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों के पास कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एक तो ये ब्रैकेट बच गया, दो में से एक ब्रैकेट बचा है, ये देखो यहां से हट गया तो एक बचा और ये यहां से हट गया तो सिर्फ प्लस 2 बचा, तो ये हमारा आंसर है। अगर और सॉल्व होता है तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं 19th में हमारे पास है 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 98 बी स्क्वायर, बी की पावर 4 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉमन क्या है वो करते हैं, 2 और 98 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 तो एक बाहर निकाल दिया, ठीक है। ए स्क्वायर इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास बी स्क्वायर है, इसके पास बी की पावर 4 है, तो 2b तो दोनों के पास है, वो बाहर निकाल लेते हैं। यहां से ये भी गया तो बचा ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 2 गया तो 2 से डिवाइड करके देखो 49 बच रहा है, ठीक है। और बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि बी 4 में से 2b बाहर आ गए, 2b अंदर रह गए, ठीक है। ये हो गया 2b स्क्वायर एज इट इज। ये देखो अब ये ए स्क्वायर, ये 7b का होल स्क्वायर है, देख सकते हैं इसे, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, साथ में 7b का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी होगी फिर से, तो आंसर इज 2b स्क्वायर, ब्रैकेट में एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। आइडेंटिटीज लगती हैं, खुद देखना है, परफेक्ट स्क्वायर होंगे अगर तो आइडेंटिटीज लग जाएंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8b। डायरेक्ट मुझे कुछ दिख रहा है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा लिख देती हूँ मैं से, ये ए स्क्वायर है, ये 4b का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्यों लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो ब्रैकेट बनेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करें, ठीक है। 16 4 का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये ए स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, एक बार a प्लस बी, ए माइनस बी, और इन दोनों में देखते हैं दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, यहाँ a बचा, माइनस भी बाहर लिया है तो प्लस हो गए, दोनों प्लस हो गए, ठीक है। माइनस 2a प्लस 4b। अब देखो बाइनोमियल है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट बाहर निकाला तो क्या बचा, a माइनस 4b इस वाले का ब्रैकेट, और ये बाहर चला गया तो यहाँ बचा माइनस 2। ये हमारा आंसर है।